बढ़ते हैं, वहीं एक और जहां गुलाबचंद कटारिया ने मतदान देने के बाद कहा कि बीजेपी का कांग्रेस से कोई मुकाबला ही नहीं है और बीजेपी की ही सरकार आने वाली है, वहीं गिरिजा व्यास ने गुलाबचंद कटारिया को उनके इस ख्वाब की मुबारकबाद देते हुए कहा कि विकास के नाम पर शून्य साबित हुई बीजेपी सरकार का सफाया साफ नजर आ रहा है और कांग्रेस भारी मतों से सत्ता में काबिज होने वाली है। जी, हमने आपको पहले सुबह विजुअल दिखाए थे, गुलाबचंद कटारिया जब अपना मतदान करने गए थे, ये गिरिजा व्यास जो उनके सामने प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपने मतदान का प्रयोग किया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर भी अभी जारी हैं। गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस ख्वाब देख रही है, वहीं गिरिजा व्यास कह रही हैं कि शायद गुलाबचंद कटारिया ख्वाब देख रहे हैं, उन्होंने कई विकास के काम नहीं किए। तस्वीरों में आप गिरिजा व्यास को देख रहे हैं, कांग्रेस की काफ़ी पुरानी नेता हैं। चलिए, रवि मल्होत्रा उदयपुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रवि, आप सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। जी रवि, क्या अभी भी आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं? जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप दौर तो चालू है, जब से चुनाव की कैंपेनिंग शुरू हुई थी जी तब से ही आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार चल रहे हैं। पहले कभी कटारिया ने ये कहा था कि गिरिजा जी का जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो कमजोर है, उसके पलटवार में जब गिरिजा ने कहा था कि मुझे लगता है कि कटारिया जी की मानसिक स्थिति कमजोर है, इससे आरोप प्रत्यारोप दौर लगातार जारी है। आज भी जब मतदान केंद्र से बाहर निकले गृह मंत्री कटारिया और उनसे पूछा गया था कि इससे आपको लगता है कांटे की टक्कर है आपकी, तो उन्होंने साफ किया कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है और जो है कांग्रेस साफ देख रही है और बीजेपी जो है फिर से बहुमत के साथ आएगी। इसी के बयान को वापस बयान करते हुए गिरिजा व्यास ने ये कहा है कि कटारिया जी जो है वो ख्वाब देख रहे हैं और जनता जो है उन्हें 11 तारीख को बता देगी। जी रवि, अनिल जी बात करेंगे आपसे। रवि, ये उदयपुर में दाऊदी बोरा संप्रदाय के लोग बहुत ज्यादा हैं, काफी हैं जी। क्या उनमें वोटिंग के प्रति कोई रुझान नजर आ रहा है? क्या वो वोट करने निकल रहे हैं, कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो बोरा समुदाय जो है वो रहता है हाथीपुल के जो पास का जो एरिया है चेतक का, वहां पर रहता है और वहां से जो है सबसे पास का जो मतदान केंद्र है उनका वो है गुरु गोविंद, तो वहां पर जो कुछ लोग पहुंचे। हालांकि आपका कहना सही है कि वोटिंग को लेकर थोड़ा सा जो इनका जो मनोबल है वो थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी इस बार कुछ जो दाऊदीपुरा समाज के लोग हैं वो वोट करने के लिए जरूर घर से निकले हैं। और अभी तक की मैं बात करूँ तो उदयपुर में जो जिले की बात करें तो झाड़ोल में अभी तक 10:30 बजे तक जो है 8% मतदान हुआ है और बाकी के जो 7 सीटें हैं वहाँ पर 7% मतदान हो चुका है। 7% सिर्फ? जी 7% मतदान हुआ है। नहीं, तो पुराने आंकड़े होंगे मेरे ख्याल से, पूरे राजस्थान में 22% मतदान बताया जा रहा है 11 बजे, तो ये आंकड़े शायद उदयपुर जिले की बात है। हाँ, उदयपुर में इतना कम मतदान हुआ है जी, वहाँ लंबी लंबी कतारें नहीं है?